नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पर हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं वन क्यूबिक फुट एग्रीगेट में कितना केजी वजन होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपसे इंटरव्यूज में तो पूछा जा सकता ही है, प्लस ये क्वेश्चन आपको साइट पे एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग में भी काम आ सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहे। खासकर इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और पूछ लिया जाता है कि वन क्यूबिक फुट एग्रीगेट है आपके पास और उसका वजन कितना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है तो काफी लोग उसमें बता नहीं पाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर आपने आज ये वीडियो पूरी देख ली तो आपका इस सिलसिले में जो भी क्वेश्चन है सब आपका खत्म हो जाएगा। आपके साइड पे कोई गाड़ी आई हुई है जिसका आपने मेजरमेंट निकाल लिया, अब उसको आपको कन्वर्ट करना है केजी में, तो बहुत आराम से कन्वर्ट कर पाओगे। मतलब किसी भी गाड़ी का आपने मेजरमेंट निकाले, इतने क्यूबिक फुट आपके पास मटेरियल है, तो अब उसके बाद आप उस मटेरियल को बहुत आराम से केजी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने आज वीडियो पूरी देख ली तो आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा इस बारे में। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल भी छोड़ के ना देखें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके स्टूडेंट कॉस्टिंग के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए। अगर आपको एक सिविल इंजीनियर है तो ये नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों, सीधा जाते हैं कॉपी पेन के ऊपर और देख लेते हैं वन क्यूबिक फुट में कितने केजी एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट मीन्स रोड़ी। अब रोड़ी का हम देख लेते हैं कितना होता है। लेकिन उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज नीचे लाल बटन बॉक्स सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। से होगा क्या, इसी तरह के सिविल साइट और घर बनाने जुड़ी जो भी वीडियो है वो सीधी आप तक पहुंचेगा, उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन पहुंचेगा आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर दे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अच्छी लगे तो और लोगों तक भी पहुंचाए, शेयर करें इस वीडियो को और दूर दूर तक शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें जो भी आपके सिविल इंजीनियर और जो भी ऐसे दोस्त हैं उनके लिए भी। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे अब हम शुरू करेंगे। बहुत आसान है दोस्तों, अगर एक बार आपने शुरू से एंड तक ध्यान से देख लिया ना, दोबारा भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक बार ध्यान से देखना है यहाँ पे इस वीडियो को पूरा। अब हाउ टू कन्वर्ट वन क्यूबिक फुट एग्रीगेट टू केजी, मतलब एक क्यूबिक फुट एग्रीगेट को हम केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज में भी दोस्तों, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों 1 मीटर क्यूब में 35.3147 क्यूबिक फुट होते हैं, ये तो आपको पता होगा दोस्तों, ये कॉमन है, मैंने पहले भी कई वीडियोस में डिस्कस करा है और मैं ये बताता रहता हूं आपको और भी वीडियोस में। तो इसलिए आपको ये ध्यान से आपको ये याद रखना है कि 1 क्यूबिक मीटर में आपका 35.3147 क्यूबिक फुट होता है। अब दूसरी पॉइंट आपको क्या रखना है याद, डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट। दोस्तों जिनको डेंसिटी के बारे में नहीं पता है, कंस्ट्रक्शन के मटेरियल अलग अलग मटेरियलों का डेंसिटी अलग अलग होती है। किसी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का वजन उसके डेंसिटी पर डिपेंड करता है, इसलिए आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल का डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको डेंसिटी के बारे में नहीं पता है तो किसी भी मटेरियल का वजन निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। मैंने इससे पहले डेंसिटी के बारे में वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं वीडियो के एंड में भी दे दूंगा और वीडियो के आई बटन में भी दे दूंगा, तो प्लीज जरूर जाके वो वीडियो जरूर देखिए। और डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट जो है आपका वेरी करता है 1600 से 1800 केजी पर मीटर क्यूब तक। अब ये क्यों करता है, वो इसलिए करता है दोस्तों क्योंकि जो एग्रीगेट का साइज होता है वो डिफर करता है, मतलब वो डिफरेंस करता है, कोई 10 mm का तो कोई 12 mm का, तो वो इस तरह डिफरेंस करता है। इसलिए इसकी डेंसिटी 1600 से लेकर 1800 तक में वेरी करती है। अब दोस्तों 1600 से हमने यहाँ पे 1800 पकड़ लिया है, हमने 1800 ये आपका मैक्सिमम किसी प्रोजेक्ट में निकालोगे किसी को वजन तो वहाँ पे आपका डेंसिटी शो हो दिया रहता, नहीं तो आप अकॉर्डिंग टू IS कोड भी ले सकते हो। अब हम यहाँ पे 1800 केजी मान करके यहाँ पे वजन निकालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा वजन है कि 1600 से 1800 केजी पर मीटर क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर क्यूब में आपका 1800 केजी वजन हो गया, डेंसिटी हो गई इसका। अब ये जो हो गया 1 मीटर क्यूब में 1800 केजी, अब यही अब हमारा ये अब यहाँ पे बस आप देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान करोगे इस वीडियो में तो आपको यहीं पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इसका खेल। अब मतलब कि 1 क्यूबिक मीटर में 1800 केजी इसका वजन हो गया, 1 मीटर क्यूब में आपका 35.3147 क्यूबिक फुट आ गया, मतलब कि आपका 1 मीटर क्यूब इक्वल टू ये, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू ये, मतलब इसके बराबर ये भी है, मतलब कि आप इस इक्वेशन को आप यहाँ पे बहुत आसानी से समझ जाओगे कि 1 मीटर क्यूब में आपका 1800 केजी होता है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में आपका 35.3147 क्यूबिक फुट होता है, वो अपने यहाँ मतलब कि अगर इसको हम आमने सामने रख देंगे तो ये भी ऑलमोस्ट बराबर हो गया। अब बराबर जैसे हो गया दोस्तों, अब ये हमारी इक्वेशन बिल्कुल सेम आ गई। अब हमें क्या चाहिए, इस क्यूबिक फुट में 1 क्यूबिक फुट में कितने केजी होते हैं, ये आपको बस यहाँ से इस इक्वेशन से निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो गया।
अब आपको यहां से इसको उठा करके डिवाइड में रख देना है। डिवाइड में जैसे ही रखा आपने, अब यहां से इसको डिवाइड करोगे 1800 को 35.3147 जैसे ही डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 50.9 kg। अब जैसे ये 50 ये आ गया आपका, अब इसको हम 51 kg मान के चलते हैं, 51 kg होने लेते हैं इसको हम। तो मतलब कि आपका अब क्या ये आ गया कि आपका 1 cubic foot में एग्रीगेट का जो वजन है वो आपका 51 kg है। 51 kg अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि 1 cubic foot एग्रीगेट का वजन कितना होता है, तो अगर आपने इतना भी बता दिया 51 kg होता है तो भी आपको ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप एक बात और ऐड कर दोगे कि सर ये वजन डिफरेंस का डिफर करता है डेंसिटी के ऊपर, आपका डेंसिटी 1600 से 1800 के बीच में होती है, अगर जिसमें डेंसिटी कितनी है उस हिसाब से वजन डिफरेंस करता है। अगर आप इसका 1600 लोगे तो कुछ थोड़ा और कम वजन आएगा, तो इस अगर आपने 1800 लिया है तो उसका इतना वजन आया, तो आपको इतना मिनिमम मैक्सिमम लोग यही बताते हैं और उसके बाद उसको से डिफर करता है डेंसिटी के ऊपर। अब मान लीजिए आपके साइड पे ट्रक आया है और आपने एक डंपर आया है और जिसका जिसकी मेजरमेंट आपके पास 500 cubic foot है, तो अब इसका आप कैसे निकालोगे कि इसका वजन कितना होना चाहिए। आपके पास 1 cubic foot का आ रखा है, 1 cubic foot का वजन कितना है 50 kg। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने इसका मेजरमेंट निकाल जो रखा है इसका 500 cubic foot, तो इसको 500 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 51 से। जैसे 51 से आप मल्टीप्लाई करोगे और 51 से मल्टीप्लाई करते के साथ आप इसका क्या आ जाएगा 25500 in kg। ये 500 cubic foot गाड़ी का 500 क्यूबिक फुट गाड़ी का वजन आ गया आपका। दोस्तों मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मगर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो फिर कभी भूलोगे नहीं इस वीडियो को और साथ में इस नॉलेज को। अब ये वजन आ गया, अब इसको अगर आप किसी में भी टन में कन्वर्ट करना है, क्विंटल में कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है। अगर आपको क्विंटल में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, अगर आपको टन में डिवाइड करना है तो 1000 जो क्विंटल आएगा उसको आप 10 से इसको डिवाइड कर दो तो आपका टन में आ जाएगा। मान लीजिए इसी को आपको क्विंटल में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 डिवाइड कर देंगे, अब जैसे ही 1000 डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 255 क्विंटल। अब मान लीजिए आप इसको टन में इसको कन्वर्ट करना है तो इसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे, जैसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25.5 टन। कितना आसान है दोस्तों। अब इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, वीडियो को दोबारा देखना है तो दोबारा देख सकते हैं, जितनी बार देखेंगे क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसलिए अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। अब मुझे वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी मेहनत का फल आपको सबको इतना करना है कि आपको लाइक करना है, जिसमें आपका एक रुपया भी नहीं जाता है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है वीडियो। जितने लोग देखेंगे हमें उतना ज़्यादा अच्छा खुशी मिलती है और मोटिवेशन मिलता है, और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है आप तक, और अच्छी वीडियो पहुंचाने का मोटिवेशन मिलता है। इसलिए दोस्तों नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों हमसे फॉलो करना चाहते हैं तो हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लस आपको फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा। और भी मैंने डेंसिटी के बारे में बताया, अगर डेंसिटी के बारे में नहीं पता है आपको तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिलेगा और प्लस वीडियो के एंड में अभी मिल जाएगा आपको। चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।